दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछ नहीं होती। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं ब्लू कलर होता है। कौन है ये राजा, कौन है ये देश, और ऐसे ही बेहद विचित्र और रोचक तथ्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में चार राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होगी वो ये कि इनमें से तीन राजाओं के तो मूंछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछें होती थीं, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रिडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस करैक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा, तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ सौ साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गईं। कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरों की बारिश होने लगती है। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे।
तभी 112 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन एक साल के बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो दो बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसी ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सबके सब बच गए। जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वही अमेरिका की चाउ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी हैं, जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और, इन कॉन्टिनेंट्स में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाउ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलोग्राम भारी होता जाता है, और एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख केजी तक हो सकता है। जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाई ओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वही नीदरलैंड के द हेग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1.8 करोड़ रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया, और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। खैर, जो भी हो, वहां के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंशी था, और वह चेंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी, और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाले आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती हैं।